फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGCSM सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी ये न्यू चैनल क्रिएट किया है। न्यू चैनल के बारे में आप जानते हैं, जैसे हमने पहली वीडियो बनाई थी MS पेंट के बारे में, अब दूसरी वीडियो बच्चों की और बहुत सारे फ्रेंड्स की डिमांड थी कि सर नोट पैड के बारे में हमें बताएं आप, और ऐसे ही आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में और वो भी हिंदी में और एक बहुत ईजी तरीके से हमें समझाएं। देखो ऐसा भी होता है गाइस, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं होता है जो हम किसी इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई कर सके, तो मैं आपको इतना इजी तरीके से नोटपैड के बारे में सिखाऊंगा, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही वही लैंग्वेज में आपको समझ में भी आएगा। तो मात्र 10 मिनट में हम आपको नोटपैड के बारे में सिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, वेलकम है, आपका स्वागत है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे तो हम जैसे ही विंडो आर दबाकर नोटपैड ओपन करते हैं, ये आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप मैग्जी मैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नोटपैड के बारे में। नोटपैड क्या है? एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो हम सबसे पहले हम क्लियर करते हैं ऑप्शनों को। ऑप्शन क्या होते हैं? देखो आपने सब शिफ्ट दबाकर आप कोई भी की प्रेस करोगे शिफ्ट दबाकर तो आपको कैपिटल में लिखेगा और बिना शिफ्ट के स्मॉल में। आपने लिखा राम, किसी ने आपसे ये कहा कि हमें राम स्मॉल मान के चलिए राम सर इसको बीच में करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करके एरो की से आगे आएंगे और स्पेस दबा के ले जाएंगे, वन कैरेक्टर स्पेस आगे ले जाता है, इस तरीके से आप इसको बीच में ले आ सकते हो। किसी ने कहा वही पहली स्थान पर लेके आइए, तो आपको क्या करना है, ऐसे इस प्रकार बैक स्पेस दबाकर आप यहाँ से वही ले आएंगे। किसी ने कहा नई लाइन से लाना, आगे आके इंटर प्रेस करेंगे। किसी ने कहा वही ले जाना, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, कंट्रोल जेड प्रेस करके आप वही उसी जगह पे लेके आ सकते हैं। आपसे किसी ने कहा राम के नीचे कुछ लिखना हो तो लास्ट में कर्सर लेके इंटर प्रेस करना है, आपको इंटर से नई लाइन से लिखने के लिए बैक स्पेस से मिटाना। अब आपसे किसी ने कहा ओनली ए को मिटाना हो तो आप कीबोर्ड से एरो द्वारा एरो की का यूज करेंगे और ए को मिटा देंगे, उसकी जगह क्या करना है आप लिखकर और उसी एरो की द्वारा नेक्स्ट एरो की द्वारा आप आगे लेके इंटर प्रेस कर सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ऑप्शनों के बारे में। देखो सबसे पहले चलते हैं फाइल ऑप्शन। पहला होता है न्यू। न्यू का मतलब होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एन। आपने जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डोंट सेव करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जैसे इसमें कुछ भी लिखा आर एम राम इज ए गुड बॉय ऐसे करके लिखा, किसी ने बोला कि सर मेरे को ये सेव करनी है, आप फाइल पे जाएंगे और यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी नाम से जैसे राधिका, आपने राधिका के नाम से सेव कर दी और आपने क्या किया यहाँ से न्यू पेज ले लिया। आपने कहा कि सर मुझे अब ये जो न्यू मैंने सेव किया है फाइल इसको ओपन करना है, तो आपको ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जो फाइल बनाई है उसको ओपन करना है, तो आपके सामने वो फाइल ओपन हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछता है न्यू का मतलब न्यू पेज, न्यू विंडो क्या होता है? देखो न्यू विंडो का मतलब है दोबारा अगेन नोट पैड ओपन करना, अलग तरीके से ही आ गया आपके सामने, वो तो है ही ऑलरेडी एक और हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेव जानते ही आप, सेव करना, सेव एज का मतलब हो जाता है कि हमने राधिका नाम से जो फाइल बनाई है, किस नाम से, राधिका, आपने क्या किया राधिका नाम से जो फाइल बनाई है उसको हमने ओपन में जाके ओपन कर लिया। अब आपने इसमें जो भी वर्क करोगे जैसे इसको सिलेक्ट किया कॉपी किया और पेस्ट कर दिया इस तरीके से, आपने कहा सर इसको अगर मैं सेव कर देती हूँ सेव कर देता हूँ तो ये फाइल फिर राधिका नाम में ही सेव होगी और मैं इसको यहाँ से आगे जो किया हुआ वर्क है किसी अन्य नाम से सेव करना चाहती हूँ, तो आप सेव एज पे जाएंगे, तो सेव एज पे राधिका टू के नाम से हमने या राधिका टू के नाम से आपने सेव कर दी। अब राधिका वाली और आपने कंट्रोल दबाकर एन से न्यू फाइल ले लिया, अगर न्यू पेज ले लिया आपने कंट्रोल एन से तो आपने देखा होगा ओपन में जाके राधिका की अलग है जिसमें वर्क राधिका जी सॉरी रामी जी गुड वर्क तक है, और अगर आपने फिर दोबारा से कंट्रोल दबाकर ओ प्रेस किया और राधिका टू को खोला तो उसमें वहां तक वर्क है। इसका प्रयोग कब करते हैं? जब हमारी कोई फाइल होती है लीक हो जाती है या किसी को पता चल जाता है, आप चाहते हैं कि इससे आगे जो भी काम करें वो नई फाइल में हो और नई सिरे से हो, वहीं से जहां से हमने स्टार्ट किया जहां तक हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम सेव एज का प्रयोग करेंगे नाम चेंज करने के लिए और आगे का डाटा उसमें नहीं जाएगा कौन सी में पिछली वाली फाइल में। ये होता है पे सेटअप। तो पे सेटअप क्या होता है? आपको यहां से पे सेट करना है, जब हम प्रिंट निकालते हैं A4 रखेंगे लेफ्ट से
राइट से बॉटम टॉप बॉटम से हमें कितना स्पेस देना, हेडर क्या लगाना, फुटर क्या लगाना है, हेडर मतलब टॉप पर इंफॉर्मेशन क्या देनी है और फुटर मतलब नीचे बॉटम में क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, और इसको ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और जब आप कंट्रोल पी मतलब यहाँ से जाएंगे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और अपना जो भी आपका प्रिंटर है सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रिंट कर देंगे तो आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फाइल मेनू के ऑप्शन क्लियर करने। नेक्स्ट आपको बताते हैं एडिट। एडिट होता है अंडू, मैंने सारे डिलीट कर दिए, आप जैसे अंडू पे क्लिक करेंगे सारे वापस आ जाएंगे। एक चीज इसमें आपको याद रखनी है कि नोट पैड में हम दो बार तीन बार चार बार अंडू नहीं कर सकते, ओनली एक बार अंडू होता है लास्ट जो अपने करंट में। कट क्या होता है, कट करना, आपने सिलेक्ट किया एडिट में गए कट कर दिया हटा दिया, आपने कहा यहाँ चाहिए वो जो भी आपने वहां से कट किया है, आपको एडिट में जाके क्या कर देना है पेस्ट। अगर कोई आपसे ये बोले कि मैंने ये राम लिखा है इसकी 10 कॉपी करने कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको कंट्रोल ए दबाना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कर्सर आपको जहां चाहिए वहां लेके आना, कंट्रोल दबाकर वी जितनी प्रेस करेंगे आप उतनी बार पेस्ट हो जाएगा। तो वैसे ही कट कॉपी पेस्ट होता है आपको। अब किसी ने हमसे पेस्ट करना आसान है, अगर कोई इनकी सभी की बोले तो आपको क्या करना है, सभी को क्या करना है एक बार कॉपी कर लेना आप और जहां आपको चाहिए और वहां जाके एडिट में जाकर पेस्ट कर देना, देखिए कितने सारे पेस्ट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार ये डिलीट होता है, डिलीट का मतलब आप जानते ही हो, आप जितने आप सिलेक्ट कर लोगे डिलीट में जाओगे और यहां से डिलीट कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है सर्च विद बिंग। देखो ये इंटरनेट का फंक्शन है, इंटरनेट पर हम कोई सर्च करना चाहते हो, ये होता है फाइंड, जिसकी शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल एफ। आप ये जानना चाहते हो कि इसमें राम कहां कहां लिखा हुआ है, तो फाइंड वर्ड में जाएंगे आप और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप राम। जैसे ही आप राम लिखोगे और अप करोगे तो ये अप मतलब ऊपर की दिशा में आपको बताएगा और डाउन करोगे तो डाउन कहाँ कहाँ राम लिखा हुआ है। अब आपने कहा सर ये मुझे राम नहीं मुझे श्याम लिखना था, और देखो काफी लिख चुके हो तो बहुत टाइम लगेगा चेंज करने को, आपको एडिट में ये फाइंड नेक्स्ट एक ही होता है, आपने अंदर जाके जो फाइंड नेक्स्ट करते है ना कैन नॉट फाइंड, ये कह रहा डाउन में नहीं अप, तो ये फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की F3 और यहाँ एक एक करके आप फाइंड नेक्स्ट कर सकते हो। अब आप F3 द्वारा कीबोर्ड से F3 दबा के भी चेक कर सकते हो, कह रहा है डाउन में नहीं है तो आप उसी में जाके और फाइंड में जाके पहले आपको क्या करना पड़ेगा अप, आपका फाइंड नेक्स्ट ऊपर दिखा रहा है तब उसके बाद F3 काम करेंगे, F3 डाउन में ही जाती है। ये होता है रिप्लेस, राम की जगह क्या करना है, तो आपको ऊपर क्या एरर है ऊपर लिखेंगे और उसकी जगह क्या करना है आपको नीचे लिखेंगे। रिप्लेस ऑल एक एक करके करना है तो एक एक और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो सभी एक ही बार में चेंज। राम श्याम ये कब आता है काम, देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने कोई फाइल बनाई है और उसमें मीनिंग में मिस्टेक कर दिया, मीनिंग वो मीनिंग काफी जगह लिखी हुई है, अब हम एक एक करके सर्च करेंगे काफी टाइम लगेगा, इसलिए आपको जो मीनिंग गलती है वो ऊपर लिख देना है आपको। यहाँ पे आपको रिप्लेस में जाकर क्या गलती है वो यहाँ लिखेगा, क्या करना है उसकी जगह नीचे, रिप्लेस एक एक कर रिप्लेस ऑल कर देना। अब चलते हैं गो टू पे, आपने पहली लाइन पे दूसरी पे तीसरी पे चौथी पे पांचवी पे इस प्रकार लाइन पे एडिट में जाएंगे, देखो इसमें ऑप्शन काम नहीं कर रहा, अगर इसमें आप 5 लिख दोगे तो कर्सर यहाँ बोलेगा, 2 लिखेंगे तो यहाँ, 3 लिखोगे तो यहाँ, मतलब कौन सी लाइन पे जाने के लिए आप गो टू का प्रयोग करोगे। सिलेक्ट ऑल क्या होता है, कंट्रोल है इसकी शॉर्टकट की होती है, ऑल सिलेक्ट हो गया आप एक बार में डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें होता है ऑल सेलेक्ट टाइम एंड डेट, जिसकी शॉर्टकट की F5 होती है, आपको टाइम और डेट मिल जाएगा दोनों, ठीक है। इसको भी डिलीट F5 कीबोर्ड से आप प्रेस कर लेना और एक ही बार में आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, देखो वर्ड रैप इसके आगे क्लिक हो रहा है, अगर मैं क्लिक हटा दूं कोई इफेक्ट पड़ा, और आपने क्लिक लगा दी कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ रहा ना, लेकिन अगर इसे आप एक्टिवेट रखोगे और तब भी आप टाइप करोगे कुछ भी तो नेक्स्ट लाइन से ऑटोमेटिक आएगा, देखो पैराग्राफ आ रहा है ना, और अगर आपने ये एक्टिवेट नहीं रखा तो ये पैराग्राफ नई लाइन से ऑटोमेटिक सीधा जाएगा, आपको नई लाइन से नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैराग्राफ को या मतलब सॉरी फॉर्मेट में जाकर वर्ड रैप को एक्टिव करने पर पैराग्राफ नई लाइन से ऑटोमेटिक शो होता है, अब आप जब भी कुछ लिखोगे तो नई लाइन से ऑटोमेटिक आएगा। फॉन्ट में जाकर आप राइटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, कौन सी राइटिंग है बोल्ड इटैलिक रेगुलर कितने साइज का चाहिए, आप यहाँ से ओके करेंगे तो उसने साइज का ही हो जाएगा। व्यू पर जूम इन मतलब जूम और बढ़ाना हो, जूम और बढ़ाना हो, और जूम आउट का मतलब होता है कम करना हो कितना, और ये स्टेटस बार है जूम, देखो यहाँ पे ये स्टेटस बार बोलते हैं, यहाँ से हम जो जूम ज्यादा कम करते हैं ये सब पूरा स्टेटस बार होता है।
और नेक्स्ट होता है व्यू हेल्प। आपको क्या हेल्प चाहिए, नेट के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से, नोटपैड क्या है, कैसे ओपन करते हैं, क्या क्या डेफिनेशन है, वो सब बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। और नोटपैड में क्या होता है, बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होती है विदाउट कलर, विदाउट फॉर्मेट, ओनली सिंपल टेक्स्ट। साइज बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, साइज छोटा होगा सबका होता है। इसी प्रकार नोटपैड, नोटपैड में जाकर इसका प्रयोग हम लोग HTML पर या HTML की जो कोडिंग करते हैं वो नोटपैड पर ही करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। नोटपैड के द्वारा ही हम लोग कोडिंग करते हैं, जिससे हमारे इंटरनेट पर वेब पेज बनाने में ये जो काम आता है सब इसी प्रकार से आता है। तो नोटपैड यही तक है। आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।